हेलो स्टारियन, जीओसी की सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डीयू मींस डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जिसके और नाम हमने बताए थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आर इंडेक्स नंबर की हेल्प से तमाम तरीके के स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन के बारे में बताया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से तमाम स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं और हमारा जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर। शॉर्ट में आपको बताया था कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग या सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग। सपोज दैट किसी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 आया, इसका मतलब होगा या तो उस कंपाउंड में 1 पाई बॉन्ड है या उसमें एक रिंग है। इसी तरीके से किसी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उसमें 2 पाई बॉन्ड हो या 2 रिंग हो, या एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक रिंग और उसमें एक पाई बॉन्ड हो। इसी तरीके से हमने बात की थी कि अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहीं पर 4 आ गया और कार्बन का नंबर 6 या मोर देन 6 है तो हमेशा आपको एरोमेटिक स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग पहले बना लेनी है और रेस्ट जो भी एटम है उसको ऊपर से एडजस्ट करना है। तो ये कुछ खास बातें हो गई थी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें रह गया था, क्या था कि अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है कॉम्प्लिकेटेड सा तो कितने जगह से उसको तोड़ने पे, कितने एटम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने से वो स्ट्रक्चर ओपन हो सकता है, ये भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को एक्सप्रेस करता था। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के फार्मूले को भी रिकॉल कर लें तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का बहुत सिंपल फार्मूला था, C+1 - H+X - N2। एक बार फिर से रिपीट करें, क्या फार्मूला था? C+1 - H+X - N2। जितने भी कार्बन के एटम हैं उस मॉलिक्यूल में उसमें 1 जोड़ दें, माइनस हाइड्रोजन का एटम, प्लस अगर हैलोजन है तो हैलोजन को जोड़ना है, नाइट्रोजन है तो माइनस करना है, बाई 2। अब इससे हम एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। अब ये फ्लो चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको रिकॉल कर लेना है, राइट डाउन कर लें आप। कार्बन हाइड्रोजन CH और DBE 0 हो, मतलब कोई मॉलिक्यूल हो कार्बन हाइड्रोजन केवल दिख रहा हो और DBE 0 हो तो वो कंपाउंड केवल एल्केन होगा। तो अब कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है उसमें आप कार्बन हाइड्रोजन देखते हो केवल और DBE 0 आ गया तो आप श्योर हो जाओगे कि क्या होगा, वो एल्केन होगा। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन DBE 1, तो दो प्रॉबिलिटी, आइदर एल्कीन आर साइक्लो एल्केन। लेकिन बस यही बात कि कार्बन कम से कम 3 हो, क्योंकि आप जानते हो कि 3 कार्बन से कम वाला रिंग वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2, या तो एल्काइन हो या डाईइन हो या साइक्लो एल्कीन हो। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन DBE 0, आइदर एल्कोहल आर ईथर। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन DBE 1, एल्डिहाइड कीटोन, मतलब या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अनसेचुरेटेड एल्कोहल आर अनसेचुरेटेड ईथर आर साइक्लिक एल्कोहल आर साइक्लिक ईथर। तो ये बड़ी प्रोबेबिलिटी वाला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन DBE 1 वाला, बड़ी प्रोबेबिलिटी वाला एल्डिहाइड कीटोन, अनसेचुरेटेड एल्कोहल अनसेचुरेटेड ईथर, साइक्लिक एल्कोहल साइक्लिक ईथर। इसी तरीके से CHO2 टाइप कंपाउंड, मतलब कार्बन हाइड्रोजन और O2 DBE 1, आइदर एसिड आर एस्टर। देन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन DBE 1, एमाइड,
टू टाइप्स, आइदर प्योर एमाइड आर सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, एंड लास्ट वन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन DB0 एमीन्स 1 degree, 2 degree, 3 degree। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको हमेशा याद रखना बहुत हेल्प करेगा। सपोज दैट हम आपसे कहें C4H10O, इससे कौन से कंपाउंड पॉसिबल हैं, तो आप पहले DB कैलकुलेट करोगे। अब जरा आप कैलकुलेट करो C4H10O, तो कार्बन 4 है, 4 plus 1 5 minus 10 by 2 5 minus 5 0, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और DB0। अभी बताया है कौन सी दो प्रोबेबिलिटी, आइदर एल्कोहल आर ईथर। तो अब हमको सोचना होगा कि 4 कार्बन के कितने एल्कोहल बन सकते हैं और 4 कार्बन के कितने ईथर बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो अभी यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर मॉलिकुलर फार्मूला C6H12। मॉलिकुलर फार्मूला C6H12। अब हम लोगों ने DB कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 6 plus 1 minus H, X ऑरियन है नहीं by 2, तो 7 minus 6 is equal to 1। अब अगर DB 1 है तो या तो ये एल्कीन होगा या साइक्लोएल्केन। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि कैसा स्ट्रक्चर सोचना है साइक्लिक, तो आपको 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। अब आप बनाओगे, देखो पहला हम क्या बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन। फिर क्या कर सकते हैं, रिंग को 5 कार्बन का किया, 1 कार्बन बाहर निकाल दिया। फिर क्या कर सकते हैं, रिंग को 4 कार्बन का किया, 2 कार्बन बाहर निकाल दिए। और क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन किया एक ही जगह पे 2 लगा सकते हैं। फिर क्या किया, 4 कार्बन का लगाया, 1-1 कार्बन अलग अलग कर दिया। फिर क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन का सिस्टम बनाया, आमने सामने कर दिया। फिर क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन का बनाया और 3 कार्बन इस तरीके से कर दिए। फिर क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन की रिंग बनाई, 1 कार्बन और 2 कार्बन का कर दिया। फिर इसी तरीके से 3 कार्बन का इधर जो है 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन। फिर इस तरह से 3 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन। फिर ये 3 कार्बन की रिंग 1 1 और 1। फिर इसमें देखिए 3 कार्बन की रिंग, इधर 1 कार्बन, फिर इस तरफ 1 कार्बन, इस तरफ 1 कार्बन। तो ये इतने तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए। ये छोटा सा क्वेश्चन कितने स्ट्रक्चर हो गए, 12 स्ट्रक्चर। तो ऐसे ये बड़ा मज़ेदार है, बार बार हम इसको यूज करेंगे और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर सजेस्ट करेंगे। थैंक यू।